This is an ABP Life podcast. इज़राइल फिलिस्तीन संघर्ष की आग एक बार फिर से धधक उठी है। 6-7 अक्टूबर की सुबह गाजा पट्टी पर कब्जा रखने वाले हमास के लड़ाकों ने दावा किया कि उसने इज़राइल के शहरों पर 20 मिनट में लगातार 5,000 रॉकेट डाले। हमास के प्रमुख दाइफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है। मोहम्मद दाइफ ने कहा, हम दुश्मन को पहले ही वार्निंग दे चुके हैं, इजरायलियों ने हमारे लोगों के साथ सैकड़ों नरसंहार किए। उन्होंने आगे कहा, हम ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की शुरुआत की अनाउंसमेंट करते हैं, हम ये घोषणा करते हैं कि दुश्मनों के ठिकानों, एयरपोर्ट्स, सैन्य अड्डों पर किए गए हमारे पहले हमले में 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। अभी तक 1,000 मौतें हो चुकी हैं इस हमले में। वैसे हमले की तारीख बहुत सोच समझ के चुनी गई और ये हमला भी 50 साल पहले की लड़ाई का ही बदला है। कैसे, क्या, क्यों, चलिए सब बताते हैं आज के FYI में सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ। हमला किया है हमास ने इसराइल पर, तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर है क्या हमास। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया यानी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन है। हमास का मकसद इसराइल को हराकर अपने उन इलाकों पर कब्जा करना है जो इसराइल ने उससे सालों पहले हुई जंग के दौरान छीन लिए थे। सालों पहले आखिर हुआ क्या था, क्यों इसराइल फिलिस्तीनी विवाद शुरू हुआ, चलिए ये भी जानते हैं। ये विवाद है आखिर पूरा रिलीजियस। अल अक्सा एक मस्जिद है। मुस्लिम्स के रिलीजियस स्क्रिप्चर कुरान में दो मस्जिदों के बारे में बताया गया है, जिनमें से ये एक है अल अक्सा, इस्लाम के लिए थर्ड होलीएस्ट मॉस्क आफ्टर मक्का मदीना। माइथोलॉजी और हिस्ट्री अगर दोनों की बात करें, दोनों ही अल अक्सा मस्जिद से जुड़ी हैं। कुछ मानते हैं कि अल अक्सा मॉस्को प्रॉफिट अदाम और प्रॉफिट इब्राहिम ने बनाया था। वही हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो खलीफा उमैद अब्द अल मलिक और उनके बेटे अल वालिद वन थे, उन्होंने ये बनवाया था। कुरान में चूंकि इसका जिक्र है, इसलिए ये खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि इसराइल में जो ज्यूज रहते हैं वो फॉलो करते हैं टेंपल माउंट को। टेंपल माउंट ज्यूज का प्रार्थना स्थल है और प्रार्थना स्थल को लेकर ही पूरा विवाद है। ज्यूज ये मानते हैं कि टेंपल माउंट से दुनिया की शुरुआत हुई और ये भी मानते हैं कि अल अक्सा जो बना है वो टेंपल माउंट के ऊपर बना है। वो ये मानते हैं कि जिस जगह अल अक्सा बनी है वो जगह हमारी है और यहाँ मस्जिद नहीं टेंपल माउंट होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम्स भी इसे सेक्रेट मानते हैं। तीसरी बात, जेरूसलेम में है माउंट टेंपल। जेरूसलेम जुड़ा है जीसस के सफरिंग से और क्रिश्चियनिटी भी इसी जगह को सेक्रेट मानती है। तीनों रिलीजन एक ही जगह को सेक्रेड यानी होली यानी पवित्र मानते हैं और इस विवाद की वजह से ही बहुत साल पहले ही लड़ाइयां शुरू हो गई। इसराइल 1948 में बना था, पहले फिलिस्तीन नहीं था। फिलिस्तीन जब स्टेट नहीं था, इसके एरिया में जो ज्यूज रहते थे उन्होंने खुद को 1948 में इसराइल डिक्लेयर किया। फिलिस्तीन एरिया में ही इसराइल बना तो अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच वॉर हुआ। इस वॉर में 70-75% फिलिस्तीन एरिया पे कब्जा हुआ। फिर एक और वॉर हुआ 1967 में अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच। अरब कंट्रीज को डिफीट करके इसराइल ने ईस्ट जेरूसलेम पर कब्जा किया और यही ईस्ट जेरूसलेम पर है अल अक्सा मॉस्क। फिजिकल कंट्रोल अगर देखा जाए तो इसराइल का है इस मस्जिद पर और इसराइल इसे अपनी कैपिटल भी मानता है, ऐलान भी कर चुका है। 1980 में कहा था कि जेरूसलेम उनका फ्यूचर कैपिटल है। जेरूसलेम में 2,00,000 ज्यूज रहते हैं और 4,00,000 फिलिस्तीन रहते हैं। पैलेस्टाइन मानते हैं कि जबरदस्ती इसराइल ज्यूज को यहाँ सेटल कर रहा है, धीरे धीरे जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ये डिवीजन भी करेगा। फ्राइडे को इनफैक्ट प्रार्थना करने भी नहीं दिया जाता है फिलिस्तीन को। इसराइल हमारा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ऐसा ये लोग मानते हैं। कहीं ना कहीं हमारा होलीएस्ट मॉस्क का फिजिकल डिवीजन ना हो जाए ये भी डर है। फिजिकली एक्सेस करने का राइट नहीं है फिलिस्तीन को अल अक्सा मॉस्क का और बस इन्हीं सब कारणों से ये युद्ध शुरू हुआ है। क्योंकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट का तो समाधान निकाला जा सकता है लेकिन ये रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा है। इसराइल फिलिस्तीन के लोगों को खुद ही ये डिस्प्यूट सुलझाना होगा, लेकिन ऐसा हो तो सकता था तब तक जब तक ये युद्ध नहीं छिड़ा होता। जाने से पहले आपको ये भी बता देती हूँ कि आखिर हमास ने 6 अक्टूबर ही क्यों चुना।
दरअसल 6 अक्टूबर को यहूदियों का सबसे पवित्र त्योहार योम किप्पुर पर्व मनाया जाता है। साथ ही 1973 के संघर्ष की 50वीं एनिवर्सरी भी एक खास वजह मानी जा रही है। ये त्योहार करीब एक हफ्ता चलता है और लोग इस दौरान छुट्टियों पर रहते हैं। हमले के दौरान इसराइल के लोग त्योहार के जश्न में डूबे थे। 1973 में 6 अक्टूबर के दिन योम किप्पुर पर्व पर ही अरब देशों के गठबंधन ने इसराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों पर हमले किए थे, जिसकी वजह से योम किप्पुर युद्ध छिड़ गया था। युद्ध की रेखाएं खींची गईं और इसराइल भी अरब गठबंधन के खिलाफ आक्रामक हो गया। लड़ाई ज्यादातर गोलान हाइट्स, सिनाई और 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के बाद से इसराइल के कब्जे वाले अन्य एरिया में हुई। ये युद्ध करीब 2 हफ्ते तक चला, जिसमें करीब 20,000 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसराइल को इसमें जीत हासिल हुई। इस घटना के ठीक 50 साल बाद 6 अक्टूबर 2023 को गाजा के हमास गुट ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू करने का ऐलान करते हुए इसराइल पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। इस हमले को उन्होंने प्रतिरोध करार दिया। आज के FII में इतना ही। मैं मानसी हूँ आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।